नमस्कार, ताजा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। समिति परिवार की उपस्थिति में मनाया गया श्रावणी मेला। अमरनाथ सेवा समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रावणी मेला का आयोजन शांतिकुंज का घाट मऊ में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में श्री अमरनाथ सेवा समिति के अध्यक्ष श्री राम सफल चौहान जी के आमंत्रण पर ABCD एवं AMBCD द मीडिएटर इन्फो मीडिया की प्रकाशन संस्था द मीडिएटर के संस्थापक प्रबंधक एवं प्रबंध संपादक संजय राय के साथ द मीडिएटर परिवार उपस्थित रहा। श्री अमरनाथ सेवा समिति द्वारा आए हुए सभी अतिथियों के माथे पर चंदन लगाकर लेप लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर द मीडिएटर के संस्थापक प्रबंधक प्रबंध संपादक संजय राय द्वारा बताया गया कि शांतिकुंज गायघाट को धार्मिक पर्यटन स्थल बनाने में श्री अमरनाथ सेवा समिति के अध्यक्ष राम सफल चौहान के सतत संघर्ष और प्रयासों का परिणाम है। आजादी की आजमगढ़ में 75वें अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर 15 अगस्त को देखते हुए ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा जनपद के सभी विकास खंड में ग्राम पंचायतों में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। सफाई कर्मचारियों द्वारा ग्रामवासियों को घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि 15 अगस्त को आप लोग अपने घर पर झंडारोहण करें। सरकार की मंशा अनुरूप ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा जागरूक किया जा रहा है। आज 8 अगस्त 2022 को सहायक विकास पंचायत उमाकांत पाठक के आदेश के क्रम में ग्राम पंचायत सराय मंदराज में नाले की सफाई की गई और आसपास जो कचरा था उसको उचित स्थान पर किया गया और लोगों को समझाया गया कि पॉलिथीन का प्रयोग ना करें, झोला का प्रयोग करें। और आज के सफाई अभियान में जिला अध्यक्ष सीपी यादव, मीडिया प्रभारी गुलाब चौरसिया, जागृति प्रसाद जितेंद्र चौधरी, मोहम्मद असलम, बबीता जान, मोहम्मद विकास खंड पलहनी, जनपद आजमगढ़, उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग शामिल थे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 8 लाख घरों पर दिनांक 13 से 15 अगस्त के मध्य तिरंगा फहराने की योजना है, जिलाधिकारी का कहना है। ऐसे में उन्होंने बताया कि झंडों की आधी संख्या शासन स्तर से प्राप्त होगी तथा आधे झंडों की व्यवस्था जनपद में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं एनजीओ आदि के सहयोग से की जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी स्कूलों, कॉलेजों, सिविल सोसाइटियों, व्यापार मंडल सबके साथ बैठक कर उन सबको सबसे अनुरोध किया गया है कि इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में घर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाएं और स्कूल के बच्चों के द्वारा जनप्रतिनिधिकरण के द्वारा मिलकर यह प्रयास रहेगा कि 13 से 15 अगस्त के मध्य जनपद के हर घर पर तिरंगा लहराएं। क्या कुछ का जिलाधिकारी ने सुनिए। इसमें हमें लगभग आधी जो संख्या है वो शासन से प्राप्त हो रही है तिरंगों की, बाकी हम लोग जनपद स्तर पर महिला स्वयं सहायता समूहों, एनजीओस आदि के सहयोग से तिरंगा जो हमारा ध्वज है उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। हम लोगों ने सभी स्कूल कॉलेजों में, हमारी जो सिविल सोसाइटियां हैं, व्यापार मंडल हैं, इन सब के साथ बैठक कर इन सबसे अनुरोध किया है कि इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा को सफल बनाए और स्कूल के बच्चों के द्वारा, जनप्रतिनिधिगण के द्वारा, इन सब लोगों के साथ मिलकर हम लोग का ये प्रयास रहेगा कि 13 से 15 अगस्त के बीच जनपद के हर घर पर तिरंगा लहराए। आजमगढ़ जनपद सहित भारत के 5 व्यक्ति इथोपिया में अपनी 3 साथियों के साथ बंधक बना लिए गए। इस मामले को लेकर आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे आजमगढ़ के 3 व्यक्तियों के परिजनों ने उनके घर वापसी की मांग को डीएम से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि रौनापार थाना क्षेत्र के बिलकुंडा गाँव निवासी संजय मिश्र इथोपिया में 5 साथियों के साथ फंस गए। इस कंपनी के लिए वह काम करने के लिए गए थे। उस कंपनी के मालिक ने बकाया पैसा मांगने पर उनके पासपोर्ट और वीजा को अपने कब्जे में ले लिया है। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने अपने परिवार को इस बात की जानकारी दी। भारतीय दूतावास और नाइजीरिया दूतावास के बीच बातचीत जारी है जिससे परिवार के लोग आश्वस्त हैं। संजय मिश्रा के साथ निजामाबाद थाना क्षेत्र के चंदाभारी गाँव निवासी राज बहादुर चौबे और महाराजगंज थाना क्षेत्र के जुड़ारामपुर गाँव निवासी संदीप के अलावा हरियाणा व झारखंड के बलिया के एक एक मैकेनिक फंसे हुए हैं। इन कुप्रीती मशीनरी गाजियाबाद ने इथोपिया के दुक्कम शहर में टडास स्टील कंपनी में मशीनरी की फिटिंग के लिए 5 माह पहले भेजा था। 3 माह के एग्रीमेंट पर यह लोग गए थे। काम पूरा करने के बाद जब वह लोग भारत आना चाहे तो स्टील कंपनी के मालिक से अपनी बकाया धनराशि की मांग की। मालिक ने पैसा देने के बजाय उनका पासपोर्ट जब्त करते हुए सभी को बंधक बना लिया।
कंपनी के मालिक ने कहा कि तुम लोग चले जाओगे तो हमारे प्लांट को कौन चलाएगा। डीएम को ज्ञापन देने आए परिजनों ने बताया कि दोनों देशों के दूतावासों के बीच बात चल रही है, जल्द ही उनके घर आने की उम्मीद है। वहीं इस बाबत जिलाधिकारी आजमगढ़ ने कहा कि मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में है, हम लोग भी प्रयासरत हैं, जल्द से जल्द सभी की सकुशल वापसी हो जाएगी। अब देखने वाली बात यह होती है कि क्या स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त तक इथियोपिया में फंसे सभी भारतीय स्वतंत्र हो पाते हैं कि नहीं। मीडिया से बात करते हुए पीड़ित यानी इथियोपिया में फंसे लोगों के परिजनों ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। हम विजय प्रताप सिंह, संदीप सिंह के पिताजी, तीन पाँच महीना पहले हमारा लड़का विदेश गया। क्या हुआ, विदेश गए थे? विदेश में अब यही पता लग रहा है कि वहाँ बंधक बना कर रखे गए हैं। क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि हमारा लड़का हमारे पास आवे। डीएम साहब क्या आए थे, क्या कह रहे हैं डीएम साहब? डीएम साहब तो यही कहे हैं कि संज्ञान में है जोगी जी के और जल्द कार्रवाई हो रही है। हमारा नाम रूपाली चौबे है, चंदा भारी जिला आजमगढ़ के रहने वाले हैं। हमारे पापा 5 महीने पहले यहाँ से प्रीति स्टील कमिश्नर कंपनी के थ्रू गाजियाबाद से गए थे इथियोपिया। वहाँ पे वो काम अपना 3 महीने के एग्रीमेंट से गए थे, जो काम वो पूरा कर चुके हैं। और वहाँ के जब उन्होंने उनसे कहा कंपनी के लीडर से कि हमको हमारी सैलरी और हमारा पासवर्ड दे दिए, हमको इंडिया जाना है, तो उन्होंने उनका पासवर्ड भी छीन लिया और उनको रूम में अलग बंद करके रखे हैं उनकी पूरी टीम के साथ। और उनसे काफ़ी दिनों से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे उनको काफ़ी परेशान किया जा रहा है, खाने वाने की भी दिक्कत है। और हम लोग आए हैं यहाँ डीएम सर के पास, उनसे बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द आपके पापा को इंडिया लाया जाएगा। हमारा नाम कामना है, हमारे पति गाजियाबाद से प्रीति स्टील प्लांट से बाहर गए थे और वहाँ जाके उन्होंने 3 महीने के लिए उनका एग्रीमेंट हुआ था कि मैंने 3 महीना बाद वो अपने इंडिया आ जाएंगे। उसके बाद वहाँ गए तो लोग पेमेंट भी नहीं दिए, उनसे सारा काम करवा ले, जब पेमेंट मांगे तो लोग पेमेंट भी नहीं दिए, उसका पासपोर्ट भी रख लिए और रूम में बंद कर दिया, आने भी नहीं दे रहे हैं। इसी सरकार से आप इसके संबंध। मेरा नाम विजय दुबे है, हमारे फूफा का नाम संजय मिश्रा है। संजय मिश्रा और उनकी पूरी टीम, संदीप सिंह आजमगढ़ के ही रहने वाले हैं और राज बहादुर चौबे आजमगढ़ के ही रहने वाले हैं, ये पूरी टीम जो है गाजियाबाद में एक फैक्ट्री है उसके माध्यम से ये इथियोपिया। कप्तानगंज पुलिस ने एक अभियुक्त रामाधीन यादव पुत्र ठाकुर दिन को, जो 419-420 में वांछित था, उसको कप्तानगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और वही किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में दो आरोपी सीआई उम्र 21 वर्ष पुत्र बेचनी साथ और सूरज कुमार भाई उम्र 22 वर्ष महेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया है। इसी क्रम में कुछ दिन पहले मेरी महिला के शव के आरोपी को पुलिस ने दुष्कर्म व हत्या में वांछित धीरज वर्मा पुत्र सूर्यबली वर्मा अभियुक्त को गिरफ्तार किया। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चालान भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ की बैठक आज 7 अगस्त सिविल कार्यालय मोहल्ला अलवल में हुई। इस संघ की बैठक में संगठन को मजबूती देने के लिए संगठन का विस्तार किया गया, जिसमें गुलाब चौरसिया मीडिया प्रभारी ने कहा संगठन को मजबूती देने का कार्य करेंगे आप लोग। सत्यवान यादव को जिला प्रतिनिधि का राम आधार राज राम जिला संगठन मंत्री एवं संजय सोनकर को जिला उपाध्यक्ष के पद का प्रस्ताव रखा, जिसे जनपद के समस्त पदाधिकारीगण ने सर्वसम्मान समेत समर्थन किया। जिला अध्यक्ष सीपी यादव, जिला महामंत्री नवीन चतुर्वेदी, कोषाध्यक्ष समरजीत गौतम, ब्लॉक अध्यक्ष विधिवीश यादव सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। गुलाब चौरसिया मीडिया प्रभारी उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग ग्रामीण सफाई कर्मचारी भी उपस्थित रहे। जनपद के पदाधिकारियों, ब्लॉक के पदाधिकारियों की बैठक कैंप कार्यालय एलवन में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला महामंत्री नवीन चतुर्वेदी ने किया। बैठक में समस्त जनपद के पदाधिकारीगण और ब्लॉक के पदाधिकारी बैठे थे। जो सफाई कर्मचारियों की समस्या थी उस पर चर्चा हुई और संगठन को मजबूती करने के लिए संगठन को विस्तार की चर्चा हुई, जिसमें गुलाब चौरसिया मीडिया प्रभारी ने संगठन के विस्तार को पर चर्चा किया और एक प्रस्ताव रखा कि संगठन में कुछ लोगों को पद दिया जाए, जिसमें सत्यवान कुमार को जिला संगठन मंत्री,
संजय सोनकर को जिला उपाध्यक्ष और रामाधार राम को जिला संगठन मंत्री पद के रूप में चयनित किया गया है। इसमें जनपद के समस्त पदाधिकारीगण उपस्थित थे। हमारे नवीन चतुर्वेदी ने उनको माला पहनाकर स्वागत किए और हमारे मीडिया प्रभारी गुलाब चौधरी। तहसील क्षेत्र के प्रसिद्ध दत्तात्रेय मंदिर में आज हजारों लोगों ने श्रावण मास के आखिरी सोमवार होने के कारण पंचमुखी शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। सुबह 4 बजे से भक्तों का कुंवर और तमसा नदी के संगम पर स्नान कर भगवान का जलाभिषेक किया और जल लेकर कांवड़ यात्रा पर लोग जा रहे थे। सुबह से ही हर हर महादेव के नारे से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया था। मंदिर के चारों तरफ मेला लगा हुआ था। मंदिर के पुजारी रवि बाबा ने बताया कि यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है और दत्तात्रेय ऋषि की तपोस्थली है, जो दुर्भाषा और चंद्रमा ऋषि की तपोस्थली के मध्य में निजामाबाद के निकट तमसा नदी और कुंवर नदी के संगम पर दत्तात्रेय धाम है। यहाँ पर श्रावण मास में देश विदेश के कोने कोने से भक्त दर्शन करने आते हैं और लोगों की मनोकामना पूर्ण होने पर अक्सर भक्ति लोग भंडारा करते हैं। इस मंदिर की बेशकीमती मूर्ति जो असधात की थी, उस सुरक्षा के अभाव में लगभग 2 दशक से निजामाबाद थाना के मालखाने में रखा गया है। सुरक्षा के लिए प्रशासन ने सुबह से ही निजामाबाद थाना की फोर्स, महिला पुलिस व पीएसी तथा फायर ब्रिगेड का गाड़ी के साथ फोर्स के लोग उपस्थित थे। आजमगढ़ में श्रावण मास के चौथे आखिरी सोमवार को भंवरनाथ जी मंदिर में चारों तरफ गूंजे हर हर महादेव के जयकारे। जब बाबा भंवरनाथ जी का श्रृंगार बाबा बैजनाथ धाम की तरह किया गया, जिसे देख भक्त भावविभोर हो गए। हर बार की तरह सावन के पवित्र माह में बाबा का हुआ श्रृंगार, जहां काशी से आए विभिन्न प्रकार के फूल मालाओं एवं मेवा और मीठा द्वारा में बाबा को चार चांद लगा दिया। वहीं बाबा का जलाभिषेक कर बाबा का श्रृंगार भस्म चंदन इत्र अबीर फल आदि किया गया। श्रृंगारकर्ता परमेश गुप्ता, नीरज विश्वकर्मा, प्रवीण, संजय, राकेश, अंकित, रमेश, मनोज, सौरभ, संदीप, प्रमोद, आशीष, राकेश, संतोष, शुभम, पहल, शिवा आदि भक्तगण उपस्थित रहे। आजमगढ़ जनपद के राजा दक्ष की नगरी महाराजगंज में स्थित भैरव धाम परिसर में धाम प्रबंधन समिति के द्वारा सावन मास में मंदिर परिसर श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों का सम्मान किया। प्रबंधन समिति के अध्यक्ष व मौजूदा ग्राम प्रधान राकेश यादव और उनके समिति के सदस्यों ने बाबा भैरवनाथ की तस्वीर भेंट कर उनका सम्मान किया। बता दें कि भैरव धाम में सावन मास के अवसर पर श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और जलाभिषेक कर बाबा के दर्शन करते हैं। इसके मद्देनजर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहती है। पूरे सावन भर यहाँ श्रद्धालुओं का तांता ही लगा रहता है, परंतु सोमवार और मंगलवार यहाँ के लिए विशेष महत्व रखता है, इसके चलते मंदिर परिसर और श्रद्धालुओं की सुरक्षा पुलिस के लिए चुनौती बन जाती है। ऐसी दशा सुरक्षा व्यवस्था में लगे सुरक्षाकर्मी अपने अदम्य साहस और धैर्य का परिचय देते हुए सुरक्षा व्यवस्था में लगे रहते हैं, जिसके दृष्टिगत प्रबंध समिति ने उनका सम्मान किया। फोटो ले आजमगढ़ लेखपाल संघ जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष आजमगढ़ के सदस्यों की बैठक सोमवार को संघ कार्यालय पर हुई। बैठक में लेखपालों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रस्ताव पारित किए। तत्पश्चात लेखपालों ने कलेक्टर पहुंचकर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों के संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में लेखपालों ने मांग किया है कि पात्र लेखपालों को ACP का लाभ दिया जाए। नियुक्ति वर्ष 2015-2016 के लेखपालों को प्रथम दिन 3 इंक्रीमेंट एरियर का भुगतान किया जाए। तहसीलों में लेखपाल का वेतन माह के प्रथम कार्य दिवस को उपलब्ध कराया जाए तहसील निजामाबाद मार्टिनगंज के 12 लेखपालों का वेतन जिलाधिकारी द्वारा भूमि विवाद रजिस्टर न दिखा पाने के कारण रोक दिया गया है, जबकि सभी लेखपालों द्वारा भूमि विवाद रजिस्टर तैयार कर लिया गया था, जिसका अवलोकन जिलाधिकारी और तहसीलदार द्वारा पूर्व में किया जा चुका था, इसलिए न्यायहित में वेतन आर्जित करने का आदेश दिया जाए। तमाम इस तरह की बातें कही, सुनिए। मेरा नाम शकील अहमद है। मैं प्रदेश लेखपाल संघ द्वारा जिला संयोजक नियुक्त हुआ हूँ। आज उसी के संबंध में तमाम हमारी मांगे हैं, हमारे साथ जो हमारे काम नहीं होंगे लेखपाल संपर्क के, उसी के संबंध में आज जिला कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी, जो बैठक हुई है अभी, जिसमें सात सूत्री ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया जा रहा है।
मुख्य मांग क्या है और क्या समस्या है? मुख्य समस्या ये है कि मनमाने ढंग से तहसील के अधिकारियों द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिलाधिकारी महोदय द्वारा। मेन ये है कि 23 तारीख को जिलाधिकारी महोदय थाना सरायमीर का निरीक्षण किया गया समाधान दिवस पे, जिसमें लेखपालों से भूमि विवाद रजिस्टर मांगा गया। जो लेखपाल नहीं दे पाए, दिखा पाए भूमि विवाद रजिस्टर, उनका माह जुलाई का वेतन उन्होंने आहरित करने से मना कर दिया है। जबकि सभी लेखपालों ने भूमि विवाद रजिस्टर जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में तैयार किया हुआ है, जिसे संबंधित मार्टिनगंज और निजामबाद के SDM और तहसीलदार महोदय द्वारा अवलोकित भी किया गया है। वेतन रोकना गलत, हम जिलाधिकारी महोदय से मांग करते हैं कि जिन लेखपालों का वेतन माह जुलाई का रोका गया उसे आहरित करा के उन्हें भुगतान कराया जाए। तमाम अधिकारी लेखपाल ऊपर दबाव बनाते हैं, व्यवस्थित काम कराने हम देखते हैं। यहाँ पर हमारी तहसील में और हर तहसीलों में मनमाने ढंग से लेखपालों से काम कराया जा रहा है, जिससे आजकल PM किसान सम्मान निधि का जांच करवाई जा रही है और उसके तमाम जो उसके आंकड़े हैं वो भराए जा रहे हैं। जबकि आज शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड अस्पतालों में विश्व आयुर्वेदिक परिषद के तत्वावधान में चरक जयंती का आयोजन किया गया, जिसमें चरक श्लोक का वाचन, चरक प्रश्नोत्तर, भारत प्रतियोगिता, चित्र बनाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। चरक प्रश्नोत्तर की विजेता सुषमा वर्मा BAMS तृतीय वर्ष, दूसरा पवन प्रताप सिंह BAMS चतुर्थ वर्ष, तीसरा शिवांगी सिंह BAMS द्वितीय वर्ष और चौथा ऋषभ सिंह BAMS प्रथम वर्ष विजेता रहे। उप विजेता में योगेश कुमार BAMS द्वितीय वर्ष, जयशिखा दिव्यांशी BAMS तृतीय वर्ष, प्रियांशु गुप्ता BAMS चतुर्थ वर्ष और सूरज शामिल रहे। चित्र बनाओ प्रतियोगिता में निकिता यादव BAMS प्रथम वर्ष, हीरा खान BAMS प्रथम वर्ष, ऋषभ सिंह BAMS प्रथम वर्ष और राहुल BAMS प्रथम वर्ष शामिल रहे। तो यह उप विजेता में शिवांगी यादव BAMS द्वितीय वर्ष, सुषमा वर्मा BAMS द्वितीय वर्ष, विक्रांत वर्मा BAMS द्वितीय वर्ष व प्रदुम्य निषाद BAMS द्वितीय वर्ष शामिल रहे। चिकित्सक एवं अध्यापक गण के स्थापना संस्थान सचिव डॉक्टर रामजी सिंह, प्रोफेसर अनिल सिंह, डॉक्टर अजमल अंसारी, डॉक्टर विभूति मिश्र, डॉक्टर योगिता जैन, डॉक्टर चंद्रमौली सिंह, डॉक्टर वीर प्रकाश सिंह, डॉक्टर संतोष मौर्य, डॉक्टर विनोद कश्यप, डॉक्टर चंदन कुमार गुप्ता, डॉक्टर विशालक्षी मिश्रा, डॉक्टर आनंद सिंह, डॉक्टर हरगोविंद राय, डॉक्टर अजय कुमार द्विवेदी, डॉक्टर एलन अखलाक अंसारी, डॉक्टर सौरभ पाठक, डॉक्टर राहुल सिंह एवं सर्वेश सिंह, राजेश अनिल कुमार सिंह आदि कॉलेज के कर्मचारीगण उपस्थित रहे। और दूसरा है शालीन, शालीन मीन्स की एक जगह स्थापित होकर के रहने वाला, यह शब्द से यही अभिप्राय है कि हमेशा चलायमान, सबके दुख दर्द को जानना है करना और चिकित्सा उसके लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं उसकी प्रतिपूर्ति करना। और शालीन तो दो कैटेगरी में बता दी गई, तो इससे प्रतीत होता है कि चरक यायावर श्रेणी के ही महर्षि थे, जो हमेशा चलायमान रहते थे, एक जगह बैठने वाले और किसी आश्रम बना के रहने वाले ऋषियों में से नहीं थे, क्योंकि ये हमेशा घूमते रहते थे, ये मनुष्यों के और व्याधि को दूर करते थे। आजमगढ़ जिले के शहर स्थित गांधीनगर कॉलोनी के निवासियों ने मुख्यमंत्री व जिलाधिकारी आजमगढ़ से निवेदन करते हुए TV20 न्यूज के माध्यम से निवेदन किया है कि जल जमा होने की वजह से गांधीनगर कॉलोनी ग्राम सलीमपुर पोलशीरा पट्टी आजमगढ़ वेदांता हॉस्पिटल के सामने वाली गली के निवासी नारके जीवन जीने को मजबूर हैं। हम काफ़ी उम्मीद से यह दरख्वास्त आपको लिख रहे हैं कि हम पिछले 10 सालों में सड़क पर जल जमाव के संकट से घिरे हुए हैं। हमें अपने घर से निकलने के लिए काफ़ी समस्या उठानी पड़ती है, ग्राम सभा होते हुए भी हमें कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव इस समस्या से अवगत हैं। पिछले 10 सालों में ग्राम सभा ने इस समस्या का कोई हल नहीं निकाला है, हमारे ऊपर किसी की नज़र नहीं जाती है, हम अकेले और बेसहारे को महसूस करते हैं, हमारा अंतिम सहारा अब आप ही बचे हैं, हम नगरवासियों को आपके ऊपर बहुत सारी उम्मीदें हैं। श्रावण मास को लोक साहित्य में हरियाली का प्रतीक माना गया है।
इस महीने सावन का गीत कजरी का अपना अलग ही महत्व है, लेकिन आधुनिकीकरण की दौड़ में हमारी धरोहर औपचारिकता मात्र रह गई है। अपने पारंपरिक गीतों को जीवित रखने तथा सावनी परंपराओं के साथ जीने का छोटा सा प्रयास उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ आजमगढ़ द्वारा जिलाध्यक्ष शिखा मौर्य तथा कार्यक्रम संयोजिका प्रतिभा श्रीवास्तव के नेतृत्व में शहर स्थित करुण होटल में कजरी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे जनपद की शिक्षिकाओं ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती शालिनी सिंह, पत्नी अतुल कुमार सिंह, जिला विशेष शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ तथा विशिष्ट अतिथि डायट प्रवक्ता श्रीमती प्रीति गौरवा, रंगकर्मी ममता पंडित रही। मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। खुशनुमा वातावरण में कजरी गीत कजरी नृत्य की फुहार का सभी ने आनंद उठाया। कार्यक्रम में शिक्षिकाओं के वित्तीय पहलू को मजबूत करने के लिए वित्तीय जागरूकता सत्र जैसे कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया तथा 10वीं व 12वीं की परीक्षा में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी बच्चों को सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाले छात्र छात्राओं में रितिक गुप्ता पुत्र प्रीति गुप्ता, सुप्रिया यादव और मुस्कान यादव पुत्रियाँ किरण यादव, अवीसी पुत्री दुर्गा देवी, कृष्णा चौहान पुत्री उषा चौहान, प्राची मौर्य पुत्री रुक्मणी कुशवाहा, स्नेहिल यादव पुत्री सरिता यादव, अंकिता पुत्री लता भूषण, शिवांगी सरोज पुत्री रीता सरोज, गार्गी श्रीवास्तव पुत्री प्रतिभा श्रीवास्तव, कार्यक्रम संचालन अंशु अस्थाना और प्रतिभा श्रीवास्तव ने किया। आजमगढ़ जनपद की मेहनगर में सावन मास के अंतिम सोमवार को श्री मंडलेश्वर महादेव स्थित शिव सरोवर में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर भस्म चंदन लगाकर श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर हर हर महादेव जय घोष के साथ शिवलिंग पर जलाभिषेक कर मन्नत मांगी। पूजा अर्चना के बाद कांवरिया संघ द्वारा आयोजित भंडारे में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया, वहीं महिलाओं ने हलवा पूरी चढ़ाकर पूजा की। अंतिम सोमवार को मेले जैसा दृश्य रहा, सुरक्षा के मद्देनजर थाना प्रभारी बसंत लाल उपस्थित रहे। इसी क्रम में कस्बे के ऐतिहासिक लखराव पोखरे के महादेव घाट व निरंजन कुटी यानी खाकी की बाबा शिवलिंग पर लोगों ने जलाभिषेक किया। आजमगढ़ की मेहनगर से खबर है, जो शिक्षा क्षेत्र के रमादीप पालीवाल मेमोरियल टाड़ाडे के स्कूल छात्र छात्राओं ने आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर खरिहानी बाजार स्थित पुलिस बूथ से तरमा थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह ने तिरंगा यात्रा व प्रभात फेरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रभात फेरी की अगली पंक्ति में स्कूली छात्राएं भारत माता व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमूर्ति की छवि के रूप में तिरंगा लिए आगे आगे व पीछे स्कूली छात्र छात्राएं प्रभात फेरी की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर खरिहानी हंसराजपुर किशुनदासपुर निफिसानी आदि गांव में तिरंगा यात्रा निकाली। बलिदानी वीर सपूतों को याद कर देशभक्ति के नारे लगाए। अंत में तिरंगा यात्रा का समापन विद्यालय प्रांगण से
हुआ। इस दौरान प्रधानाचार्य संजय दुबे, जगदम्बा सिंह, पंकज चंचल यादव, हरिपाल सिंह, नरेंद्र सिंह, योगेंद्र सिंह, ससांग सिंह तमाम लोग मौजूद रहे। सावन मास की अंतिम सोमवार को हर तरफ हर हर महादेव व बोलबम की शिव थमने से क्षेत्र गुजायमान हो उठा। सुबह पाव फटते ही भगवान शिव के श्रद्धालु शिव के जलाभिषेक, दुधाभिषेक, पूजन अर्चन हित शिवालय चल पड़े। महादेव के भक्त महाराजगंज क्षेत्र के भैरव धाम और पतालेश्वर महादेव रूपयनपुर में पक्तिबद्ध रहकर जलाभिषेक किया। जहाँ कांवड़ियों के जत्थे में युवा पुरुष, महिला, बुजुर्ग व बच्चे जलाभिषेक यात्रा में शामिल हुए, तो वही डीजे धुन पर भक्ति से सराबोर हो थिरकते कांवड़ियों हर हर महादेव और बोलबम आदि के उद्घोष के साथ शिवालयों पर जलाभिषेक किया। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस फोर्स जगह जगह तैनात रही और थानाध्यक्ष कमलकांत वर्मा शिवालयों और क्षेत्र में पुलिस बल के साथ भ्रमणशील रहकर सुरक्षा को सुनिश्चित कराते नजर आए। पुलिस बल के लोग शिव भक्त कांवड़ियों और क्षेत्र दर्शनार्थियों द्वारा भगवान महादेव के दर्शन व जलाभिषेक में कहीं कोई परेशानी न हो इसको लेकर चौकन्ना नजर आए और सीसीटीवी के से निगरानी के साथ साथ सादे कपड़ों में तैनात रहे। आजमगढ़ में नारी शक्ति संस्थान द्वारा नगर के श्री अग्रवाल धर्मशाला के सभागार में नारी शक्ति सावन उत्सव 2022 का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कंचन मिश्रा व सुनीता सिंह मौजूद रहीं। वहीं अध्यक्षता अर्चना वत्सल व संचालन अंशु अस्थाना ने किया। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ कजरी गीत से हुआ। इस दौरान हरे रामा, रिमझिम बरसे पनिया, झूले सिया रनिया, ए हरी व पिया मेहंदी मंगादा, मोती झील से जाके साइकिल सेना, जिसे एक से बढ़कर एक कजरी गीतों ने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम के बारे में संस्था सचिव डॉक्टर पूनम तिवारी ने बताया कि संस्था ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के संवर्धन के लिए करती हैं। कार्यक्रम के माध्यम से संस्था अपनी लोक परंपराओं को अपनी नई पीढ़ी तक पहुँचाने का कार्य विगत कई वर्षों से अनवरत करती चली आ रही हैं, जिससे अपनी लोक परंपराओं को अक्षुण्य बनाया जा सके। इसके बाद सावन उत्सव के तहत कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें सावन सुंदरी प्रतियोगिता में अनामिका प्रजापति विजेता रही। वहीं सावन गीत यानी कजरी प्रतियोगिता की विजेता अंशु अस्थाना, सावन नृत्य प्रतियोगिता की विजेता विदुषी अस्थाना, सावन मेहंदी प्रतियोगिता की विजेता नीतू कश्यप विजेता को पुरस्कृत किया गया। सभी विजेताओं को सावन सुंदरी ताज, फ्लेस, मोमेंटो प्रशस्ति पत्र दिया गया। वही संस्कार शॉपिंग सेंटर की तरफ से विजेताओं को 1100 रुपए की खरीदारी के लिए कूपन दिया गया। अन्य विजेताओं को स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र व संस्कार शॉपिंग सेंटर की तरफ से 1100 रुपए की मुफ्त खरीदारी का कूपन देकर हौसला अफजाई किया गया। अंत में अध्यक्षीय संबोधन करते हुए अर्चना वत्सल ने आगंतुकों के प्रति आभार प्रकट कर कार्यक्रम का समापन किया। इस अवसर पर संस्था के समस्त पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 20 न्यूज, आजमगढ़।
लड़ी भैया।